नमस्कार, अलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के 411 पदों हेतु एक बार पुनः भर्ती आ गई है। पहले के ही भांति टीम परीक्षा प्लस सफलता का परचम लहराने के लिए एक पेड कोर्स लॉन्च कर रही है, जिसमें आपको मिल रहे हैं सारे के सारे लाइव क्लासेस। इसके साथ ही आपके नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित अद्यतन नोट्स की ई बुक, इसके साथ ही आपको 10 टेस्ट की टेस्ट श्रृंखला दी जा रही है। कोर्स से जुड़ने के लिए 50% फ्लैट ऑफ के साथ परीक्षा प्लस ऐप के माध्यम से आज ही आप जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही में अगर आपको इसके अतिरिक्त कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो दिए हुए नंबरों पे कॉल कर लें। तो फ्रेंड्स, आप सभी का परीक्षा प्लस टीम की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं मृत्युंजय पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ से, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में मैं गेस्ट लेक्चरर हूँ और आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और क्या पढ़ना है ज्योग्राफी में, कितना पढ़ना है ज्योग्राफी में, क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, ये वैकेंसी में जो सिलेबस आपने देखा है, आप सभी लोग ने जब फॉर्म भरा होगा तो सिलेबस देखा होगा, आप सभी को लग रहा होगा कि कैसे सिलेक्शन हो जाए, हर आदमी ये चाहता है कि उसको नौकरी कैसे मिले। और उस क्रम में आपने जो भी प्रिपरेशन करने के लिए अपना मोटो बनाया है, क्योंकि अब एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, अब वो डायरेक्ट एमसीक्यू के क्वेश्चंस नहीं पूछता। अगर आप पिछले साल के पेपर्स उठाकर देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उस एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहा है। जैसा कि मैंने स्टडी किया आपके टेस्ट पेपर को देख करके, पिछले 2-3 सालों के जो पेपर्स हैं मैंने उसको एनालिसिस किया, तो कोपेन क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है, टिवार्था का पॉपुलेशन थ्योरी से क्वेश्चन आ रहा है, कोपेन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वर्ल्ड में सारे कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्रासलैंड को भी पूछ रहा है, डेजर्ट को भी पूछ रहा है, करंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इंडिया को देख लीजिए, तो इंडिया में भी हर एक एक चीज़, और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में दिक्कत निश्चित होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम 5 साल का पेपर सॉल्व कर लेंगे और हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटी कोई भी विषय हो, कॉन्सेप्चुअल जानना जरूरी है। और हमारी टीम परीक्षा प्लस इसी क्रम में काम कर रही है कि हम बच्चे को एक एक चीज कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताएंगे, एक एक चीज उसको कॉन्सेप्चुअल देंगे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा, तो अगर आपको डिटेल नहीं पता होगी, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, तो आपको जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक शब्द में कोई भी चीज अगर आप पढ़ेंगे, यानी जैसे लूसेंट को पढ़ लिया, तो लूसेंट से कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि हम लूसेंट पढ़ लें तो उससे फायदा हो जाएगा, तो कतई फायदा नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। इसलिए अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चीज को आप ध्यान रखें कि तैयारी हमेशा कॉन्सेप्चुअल करनी है। मैंने आपके पेपर को एनालिसिस किया, ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो इंडिया से पूछा गया हो, चाहे वो वर्ल्ड से पूछा गया है, क्लाइमेट है, ओशन है, इन्वायरमेंट है, आपका एस्ट्रोनॉमी है, ये सारी चीज़ों से जो भी क्वेश्चन आए हैं, वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल हैं। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को करने के लिए आपको डिटेल नॉलेज होना आवश्यक है, बिना उसके आप नहीं कर पाएंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं इंडिया को। इंडिया को आप देख रहे हैं, ये भारत के अलग अलग आपको दिखाया गया, देखिए श्रीनगर है, केटू है, नंदा देवी है, ये पहाड़ियों को दिखाया गया, आप देख रहे हैं जयपुर, कानपुर, वाराणसी, अहमदाबाद, ये फेमस सिटीज़ का एक मैप हमने आपको दिखाया, कि एक आपके माइंड में ये सेटअप आ जाए कि ये चीज़ें हैं। अब हम आपको ले चलते हैं उसकी तरफ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आइए हम देखते हैं भारत का जो लैटिट्यूडनल डिस्टेंस है, यानी कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, आप ये देख रहे होंगे मैप में, 8 डिग्री 4 मिनट इंडिया का लैटिट्यूडनल डिस्टेंस है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी अक्षांशीय विस्तार जो भारत का लैटिट्यूडनल डिस्टेंस है, वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट
आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन बड़ा ही एकदम ऐसा पूछा जा रहा है कि कैंडिडेट को जरा सा भी अगर चूक हो गए तो गलती हो जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि अरे ये तो छोटी सी चीज है, बट छोटी सी चीज नहीं है। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भारत का लैटिट्यूडनल डिस्टेंस क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो अब सभी को पता हो गया होगा, यानी अगर आपको इतना मैं बता दूं कि लैटिट्यूड्स का मतलब क्या हो गया, ये है लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स ये हैं, ठीक। तो ये बात आपको पता रहनी चाहिए कि ये लैटिट्यूड्स। अब जब हम कहेंगे कि भारत का लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस क्या है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये भारत का लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या हुआ, देशांतरी रेखाएं, देशांतरी रेखाएं। अगर किसी बच्चे को लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में प्रॉब्लम है तो इसके बारे में भी मैं क्लास में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी यहां पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जब भारत का अक्षांशी विस्तार की बात की गई तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, और जब भारत का देशांतरी विस्तार की बात की गई यानी लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस की बात की गई तो वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, सभी को ये बात समझ में आ गई। अब देखिए भारत के बीच से कौन सी लाइन गुजर रही है, भारत के बीच से आप सभी को दिख रहा है कि ये कौन सी लाइन गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बहुत पूछता है कि इंडिया के बीच से कौन सी लाइन गुजर रही है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहीं पर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि वो कौन सी नदी है पूरे वर्ल्ड में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, तो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन सी नदी है, माही। कौन सी रिवर है, माही रिवर। माही नदी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, ये बात ध्यान रख लीजिए यहीं पर, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को, तो कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में यही एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो एकदम बांध लीजिए इसको दिमाग में, एकदम फीड कर लीजिए। अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, अब हम आपको ये बताएंगे कि जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आता है। और अब आजकल पेपर में क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है, अब क्वेश्चन ऐसे आने लगा है, तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो जब ये पता होगा कि गुजरती कहां से है तो किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये बात स्वतः ही आपको पता चल जाएगी। तो आइए हम मैप पर दिखाते हैं आपको कि वो कौन कौन से राज्य हैं भारत के जहां जहां से होकर के ये लाइन गुजरती है। तो सबसे पहले देखिए आता है गुजरात, पहला हो गया गुजरात, फिर सेकंड आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, और इसको क्रम से अगर आप याद करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होता है वो ज्योग्राफी से डरते बहुत हैं, लेकिन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए कैंडिडेट को क्या चाहिए, मैप चाहिए। मैप क्यों चाहिए, क्योंकि आपको चाहिए लोकेशन। अगर बच्चे को लोकेशन क्लियर है, सिचुएशन क्लियर है, यानी कि स्थान निर्धारित है, स्थिति निर्धारित है, ये दो चीज अगर आपको ज्ञात होगी तो ज्योग्राफी कभी आपकी गलत नहीं होगी। तो इसलिए आपको ज्योग्राफी में, जब भी ज्योग्राफी पढ़नी है तो मैप आपके माइंड में होना आवश्यक है। यानी मैप अगर आपके यहाँ पे सेट है, आपसे किसी ने पूछा कनाडा, तो आपको पता हो कि कनाडा कहाँ जाएंगे, हम नॉर्थ अमेरिका के ऊपर। अगर किसी ने कहा ऑस्ट्रेलिया कहाँ जाएंगे, तो यानी ये बात आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। कैंडिडेट को ज्योग्राफी पढ़ने के लिए क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए, सिचुएशन चाहिए, और ये सब कैसे मिलेगी, मैप से। तो ज्योग्राफी आप अगर मैप से कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, न कि आप जो है सिर्फ ऐसे केवल किताबों में पढ़ें। तो इसलिए प्रिय छात्रों, आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप एटलस जरूर लें, एक ग्लोब जरूर खरीदें। एटलस और ग्लोब, अगर ये दो चीज आपके पास होगी तो निश्चित है कि आपकी लोकेशन कभी गलत नहीं होगी, चाहे वो कोई स्टेट हो, चाहे वो कोई रिवर हो, चाहे वो कोई माउंटेन हो, यानी किसी भी चीज की जगह को जानना है तो आपकी लोकेशन आपके माइंड में होनी चाहिए कि वो नक्शे में ईस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में, जहां भी है लोकेशन इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको मैप स्टडी करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए आप मैप जरूर देखें। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अभी आपने कहा कि भारत में
कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कितने स्टेट? 8 राज्यों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। तो एकदम दिमाग में फीड कर लीजिए, क्वेश्चन कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच व्यक्ति की छोटी और बड़ी होती है। क्योंकि पेपर में हमने देखा है, अभी 3 साल का पेपर मैंने आपका देखा इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ आर ओ का, उसमें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्वेश्चन आया है, लेकिन उसने कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात के बाद क्या? राजस्थान। राजस्थान के बाद हम कहां जाएंगे? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के बाद कहां जाएंगे? झारखंड। झारखंड के बाद कहां जाएंगे? छत्तीसगढ़। पहले छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आ गए त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो दिमाग में आपको कैसे याद रहेगा? याद रखने का तरीका है कि 6 इधर याद रखने और 2 उधर, यानी पहले कहां जाएंगे? गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर पहुंचे कहां? छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, यानी कि 6 राज्य भारत के आपके इधर और 2 इधर, यानी त्रिपुरा और मिजोरम। तो यानी टोटल स्टेट हो गए 8। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर? सभी को क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं। फिर आता है, अब यहां से एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही छोटा सा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पूछता है कि वो कौन सा शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित है। एक शहर, भारत का एक शहर ऐसा है कि जैसे ये लाइन गुजर रही है, जैसे ये देखिए लाइन गुजर रही है, अब ये लाइन गुजर रही है, अब इसी जगह पर, इसी जगह पर एकदम यहां पर कौन सा शहर है? रांची। रांची, ठीक। तो यानी कर्क रेखा पर कौन सा शहर है? रांची। एकदम गांठ बांध लीजिए, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए एकदम दिमाग में रखिए, क्योंकि ये लाइन ये गुजर रही है और ये जो है ये देखिए ये है, ये लाइन गुजर रही है और ये रांची है, ठीक। तो दिमाग में आपको रखना है, ठीक। तो क्लियर हो गया अब आपको, यहां से क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर मुझे एक चीज और भी बतानी है कैंडिडेट को, ये बताना है कि देखिए हम लोग टाइम मेजरमेंट की बात करते हैं। टाइम मेजरमेंट, सबसे पहला सवाल क्या बनता है टाइम मेजरमेंट का, कि भारत में समय का अध्ययन हम कहां से करते हैं, टाइम मेजरमेंट कहां से करते हैं? तो टाइम मेजरमेंट हम कहां से करते हैं, वो जगह क्या है? वो जगह है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज। पहले हम लोग इलाहाबाद कहते थे, प्रयागराज, नैनी। भारत में हम जो टाइम मेजरमेंट लाइन है, जहां से हम टाइम को मेजर करते हैं, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, ठीक। तो ये जो आप देख रहे हैं ना 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत में समय का मापन किया जाता है। एक तो सवाल यही बन गया, अब दूसरा सवाल क्या बनेगा? दूसरा सवाल यह बनता है कि टाइम मेजरमेंट लाइन कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में जो टाइम मेजरमेंट लाइन है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद वेस्ट आंध्र प्रदेश। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो 5 राज्यों से होकर ये लाइन गुजरती है। तो अब इसको अगर हम नक्शे में देखें तो ऐसे देखिए, ऐसे ए ए ए ऐसे ये लाइन ऐसे गुजर रही है, ठीक। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये 5 राज्य आपको एकदम दिख रहे हैं, लाइन ऐसे काट रही है, तो 5 राज्यों से होकर
गुजरती है। तो मुझे आशा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब नक्शा दिमाग में फीड हो जाता है तो फिर गलती नहीं होती। सबके दिमाग में फीड हो गई होगी बात कि भारत में जो टाइम मेजरमेंट लाइन है वो कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर, सबको क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। कहां से लिया गया, इलाहाबाद के नैनी से लिया गया, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे हिमालय का विभाजन करेंगे, यानी कि अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो हिमालय है उसको कितने भागों में, यानी कि इंडिया को कितने भागों में बांटा गया। देखिए, क्योंकि जब भारत का हम लोग फिजिकल डिवीजन करते हैं, इंडिया का फिजिकल डिवीजन करते हैं, तो फिजिकल डिवीजन में हम लोग पढ़ते हैं, पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, फिर आता है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, फिर आता है आपका दक्षिण का पठारी भाग, और फिर आता है भारत का तटीय भाग। देखिए ऐसा है कि बहुत सी किताबों में अलग अलग बहुत अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से भारत को 4 भागों में बांटा गया, उत्तर का पर्वतीय भाग, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, दक्षिण का पठारी भाग और भारत का तटीय भाग। ये 4 रीजन मेन है इंडिया के, आपको इसी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम आपको 1 by 1 करके इनके बारे में फिर बताएंगे। क्योंकि जैसे उत्तर का पर्वतीय भाग है, अब इसके बारे में आपको डिटेल की जाएगी, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब ये हम आपको बताते हैं कि उत्तर के पर्वतीय भाग से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी कि भारत को कितने भागों में बांटा गया, मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया, उत्तर का पर्वतीय भाग, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, दक्षिण का पठारी भाग और भारत का तटीय भाग। कुछ बुक्स में जो है क्या कहते हैं एनसीईआरटी में कुछ में उन्होंने राजस्थान को भी डिवाइड कर दिया, तो उसके लेकर के आप परेशान ना हो, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं अब जब हम लोग माउंटेन की बात करेंगे, यानी उत्तर के पर्वतीय भाग की बात करेंगे, तो उत्तर के पर्वतीय भाग में सबसे पहली चीज आती है कि कौन कौन से रीजन, यानी हम लोग बात करेंगे अब हिमालय की। उत्तर के पर्वतीय भाग की जब बात करेंगे तो यानी किसकी बात करेंगे, हिमालय। अब हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, हिमालय को हम लोग जब बांटते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं 4 रीजन, कौन कौन से, ट्रांस हिमालय, फिर आता है ग्रेटर हिमालय, फिर आता है लघु हिमालय और फिर आता है शिवालिक। आपके दिमाग में ये बात सेट हो जानी चाहिए कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय, उसी क्रम में है। और ये उसी क्रम में, अब आप ये देखिए, देखिए ट्रांस हिमालय, ठीक, आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा ट्रांस हिमालय, ठीक है। फिर आप देखिए, फिर जो है आपका मध्य हिमालय लिखा हुआ है, ये गैंगेटिक प्लेन है, ये हिमालयन, देखिए हिमालय की जो बेल्ट है वो यहां से चल करके यहां तक फैली हुई है, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है,
क्योंकि ये हिमालयन बेल्ट है पूरा, ये आपका गैंगेटिक प्लेन का एरिया है, इधर डेजर्ट एरिया है, ये आपका जो है कहते हैं ईस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, तो इसकी बाद में अभी बाद में करूँगा, लेकिन अभी जो है इस पर चर्चा करता हूँ। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय और शिवालिक। ठीक, अब ट्रांस हिमालय से क्या क्वेश्चन बन रहा है, ग्रेटर हिमालय से क्या क्वेश्चन बन रहा है, शिवालिक हिमालय से क्या क्वेश्चन बन रहा है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ट्रांस हिमालय से क्या इंपॉर्टेंट है इस पर जरूरी है जानना, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आ रहा है वो ट्रांस हिमालय से क्या पूछता है। चलिए अब हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में जरा जानकारी हासिल करते हैं कि ट्रांस हिमालय से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रांस हिमालय से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, जो आपके पेपर में पूछे गए हैं या आने की संभावना है, क्योंकि आपको जो पढ़ना है वो बहुत ही एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखना है, एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझना है। तो सबसे पहले आता है कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस हैं, क्या पढ़ना है हम लोग को, रेंजेस पढ़ने हैं, कौन कौन सी रेंजेस हैं। तो रेंजेस कौन कौन सी हैं, काराकोरम, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है या फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अगर उनको कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो तुरंत हमें बताएंगे, हम उसकी उनकी समस्या का सॉर्ट आउट करेंगे। काराकोरम रेंज है, फिर आता है कैलाश है, लद्दाख, काराकोरम कैलाश लद्दाख, मतलब एकदम आपको दिमाग में अपने सेट कर लेना है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे क्वेश्चन पूछा कि काराकोरम रेंज किस हिमालय में स्थित है, ऑप्शन दे दिया ट्रांस, ग्रेटर, लेसर, शिवालिक, तो आपके दिमाग में एकदम फिट है कि ट्रांस हिमालय में ये तीन रेंज हैं, काराकोरम कैलाश और लद्दाख। ठीक है, इसके अलावा जास्कर भी है और भास्कर भी है। ठीक, जास्कर और भास्कर, तो ये पांच लोग रहते हैं, कहां रहते हैं, ट्रांस हिमालय में रहते हैं, तो एकदम आपके दिमाग में अब सेट हो गया होगा कि काराकोरम कैलाश लद्दाख जास्कर और भास्कर ये रेंजेस। तो अगर रेंजेस से क्वेश्चन आया तो अब आपको नहीं गड़बड़ होना चाहिए, तो रेंजेस अब आपको क्लियर हो गई कि ये पांच रेंज एग्जाम में। और अभी इन रेंजेस को याद करने का मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैसे याद कर लें, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कैसे याद करेंगे, क्योंकि वो कहता है कि रेंजेस को नॉर्थ से साउथ के क्रम में लगाओ, इनको दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाओ, अब आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगा है, तो इसलिए आपको यह भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर ऐसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे। एक तो क्वेश्चन हो गया कि ये रेंजेस किस हिमालय में, तो ट्रांस हिमालय में। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और है कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या है, K2 है। अब एक क्वेश्चन और आ गया कि काराकोरम कहां है, तो ये लद्दाख में, क्योंकि अब पहले जम्मू कश्मीर में हम लोग कहते थे, तो ये बट गया कश्मीर और लद्दाख, जम्मू और लद्दाख दो हो गए यूनियन टेरिटरी, तो लद्दाख में चला गया काराकोरम, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब यहीं पर ग्लेशियर से क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन से फेमस ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर भी आप जान लीजिए कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर है, तो जैसे सियाचीन ग्लेशियर, हिस्पर, बैफो, ये फेमस ग्लेशियर है ट्रांस हिमालय में, ये फेमस क्या है, ग्लेशियर है, अगर किसी को कोई डाउट है, ग्लेशियर। ठीक, तो ये ट्रांस हिमालय के फेमस ग्लेशियर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ट्रांस हिमालय किस समय की रॉक्स है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांस हिमालय किस समय की रॉक्स है, तो जब हम लोग टाइम की बात करते हैं तो ये टर्शरी युग से कैम्ब्रियन युग तक की बात की जाती है, यानी टर्शरी से कैम्ब्रियन ट्रांस हिमालय जो है टर्शरी से कैम्ब्रियन टाइम तक के बीच की ये रेंजेस है, उस टाइम इसकी उत्पत्ति होती, उस टाइम ये बना था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ये किस तरह की रॉक्स है, जैसे इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक,
इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांस हिमालय किस प्रकार की चट्टान है, तो एकदम ध्यान रखिए कैसी चट्टान है, औषधि सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ट्रांस हिमालय औषधि चट्टानों से निर्मित है, यानी सेडिमेंट्री रॉक से निर्मित है, ठीक। अब एक क्वेश्चन और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हमने लद्दाख से पूछा था लद्दाख रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो जब लद्दाख रेंज की हाईएस्ट पीक की बात की जाएगी तो लद्दाख की जो हाईएस्ट पीक है वो है राकापोशी, क्या नाम है उसका, राकापोशी, ठीक। तो ये ट्रांस हिमालय से इतनी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब हम लोग बात करेंगे ग्रेटर हिमालय की, चलिए ग्रेटर हिमालय को देखते हैं, क्योंकि मैप में आपको अभी रेंजेस जैसे भी हमने आपको बताया, कराकोरम आपको दिखाया मैंने, देखिए कराकोरम है, ये देखिए कराकोरम आपको नक्शे में दिख रही है, फिर ये देखिए लद्दाख, फिर देखिए जास्कर, ये देखिए लिखा है, फिर ये देखिए पीर पंजाल। एकदम सिस्टम से आप चीजों को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। कराकोरम, लद्दाख, फिर देखिए जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर देखिए ये देखिए शिवालिक, ठीक। इसको अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग में ये याद नहीं हो रहा है तो इसके लिए हमने एक बहुत रामबाण एंटीबायोटिक बनाई है, वो अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। नक्शे में एक बार देख लीजिए क्योंकि ये नॉर्थ और ये साउथ, अगर वो पूछ लेता है कि नॉर्थ से साउथ तो आपको ऐसे आना है कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, ऐसे आना है। अगर उसने कहीं साउथ से नॉर्थ पूछ लिया तो आपको ऐसे जाना है, ठीक। एक बात अब याद करने का तरीका, एंटीडोज क्या है, एंटीडोज लीजिए, एंटीडोज इसकी ट्रिक, ट्रिक क्या है, ये ट्रिक है, ये हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से बनाया है। जो कराकोरम, लद्दाख और जास्कर आप याद करते हैं ना, तो याद नहीं हो रहा है, जा नहीं रहा है, इतना प्रेशर है हवाओं का, परीक्षा देना है। क से कराकोरम, ल से लद्दाख और ज से जास्कर, पी से पीर पंजाल और डी से धौलाधार और एस से शिवालिक, कल जाएंगे पीडीएस लेने, याद हो जाएगा। अब ये भी नहीं याद कर पाएंगे, इससे बड़ा तो एंटीडोज नहीं, बहुत ही सॉलिड एंटीडोज है, तुरंत याद हो गया। और याद सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में दिया है, यानी कि नॉर्थ से चलो और साउथ में आ जाओ। कराकोरम एकदम ऐसे देखिए, ये है कराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, अभी आपने नक्शे में देखा था इसको, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधार, फिर शिवालिक। आशा करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। और ये नॉर्थ, ये साउथ, अगर नॉर्थ से साउथ चलता है तो ऐसे चलिए, इधर से चलता है उधर चलिए। और ये ट्रिक याद कर लीजिए, कल जाएंगे पीडीएस लेने, ठीक। तो अब आपको रेंज क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम लोग ग्रेटर हिमालय के बारे में जानते हैं, ग्रेटर हिमालय से क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं ग्रेटर हिमालय में, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको बहुत जरूरी है, इससे पेपर में क्वेश्चन आता है और फिर आपसे गलत हो जाता है, तो आपसे गलत ना हो
उसके लिए ये एंटीडोज है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ग्रेटर हिमालय की, यानी ग्रेटर हिमालय को हिंदी में कहते हैं महान हिमालय। परीक्षा प्लस टीम का एक ही लक्ष्य है कि कैंडिडेट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम डिटेल में बता पाएँ, जितना अधिक से अधिक कंटेंट दे पाएँ, कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाएँ। हम लोगों का एक ही मोटो होता है, छात्र का हित कहाँ कहाँ से हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, यही हम लोग का लक्ष्य है। अभी पीजीटी का एग्जाम हुआ, हम लोगों ने पीजीटी का क्लास चलाया था, 125 क्वेश्चन में लगभग 90 से 100 क्वेश्चन हम लोग के फंसे हैं एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं, ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं, महान हिमालय से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले आता है कि इस हिमालय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस हैं, यानी महत्वपूर्ण दर्रे, क्योंकि ये क्वेश्चन ये दर्रे से जरूर आ जाता है कि ये मतलब इंडिविजुअल तो एक अलग चीज है, लेकिन वो जब एक दर्रा देकर के पूछता है कि ये किस हिमालय में स्थित है, तो हमें ये बताना है कि कौन कौन से पासेस हैं जो इन ग्रेटर हिमालय में स्थित है। तो वो ग्रेटर हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं वो जानना जरूरी है। जैसे बुर्जिल है, बुर्जिल पासेस है, जोजिला पासेस है। आपको लगे हाथ ये भी बता देता हूं, जो बुर्जिल और जोजिला है ये कहां है, कश्मीर में। कैंडिडेट को ज्ञात होना चाहिए कहां है, कश्मीर में, ठीक। फिर आता है जैसे बड़ा लाचा, बड़ा लाचा भी कहां स्थित है, बड़ा लाचा भी ग्रेटर हिमालय में है। अब बड़ा लाचा है कहां, हिमाचल प्रदेश में। देखिए लोकेशन, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसको अगर आप एक मैप लेकर के उस पर जब ड्रॉ कर लेंगे, एक बार ड्रॉ करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। तो बड़ा लाचा कहां, हिमाचल प्रदेश। फिर आता है सिपकिला, सिपकिला सिक्किम, सिपकिला। फिर आता है आपका लिपुलेक, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, सॉरी। लिपुलेक, बुर्जिल आपका कश्मीर में है, जोजिला आपका कश्मीर में है, बड़ा लाचा आपका हिमाचल में है, सिपकिला हिमाचल में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है। फिर आपका आता है बोमडिला, बोमडिला आप सभी को पता होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय के कुछ इंपॉर्टेंट पासेज हैं, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। इसमें एक जलेपला और नीति भी जोड़ देता हूँ, जलेपला ये सिक्किम में है और नीति उत्तराखंड। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये ग्रेटर हिमालय के इंपॉर्टेंट पासेस हैं, और ग्रेटर हिमालय के इंपॉर्टेंट पासेस बुर्जिल कश्मीर में, जोजिला कश्मीर में, बड़ा लाचा हिमाचल में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख उत्तराखंड में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, जलेपला सिक्किम और नीति उत्तराखंड। ठीक, तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांस हिमालय, सॉरी ग्रेटर हिमालय से कौन कौन से, ग्रेटर हिमालय में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, तो ग्रेटर हिमालय में ये पासेस स्थित हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग चर्चा करते हैं कि इस हिमालय में कौन कौन से माउंटेन पीक्स हैं। अगर हम लोग पीक की बात करें कि इस हिमालय में कौन कौन सी माउंटेन पीक्स हैं, तो माउंटेन पीक कौन कौन सी है, यानी कि आ जाता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी इस हिमालय में स्थित है, तो कौन कौन सी चोटियां इस हिमालय में स्थित हैं, तो आता है एवरेस्ट। सबसे पहले एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, तो एवरेस्ट आता है, फिर आता है कंचनजंगा। और आजकल देखिए कोई भरोसा नहीं होता पेपर में,
क्योंकि वो हाइट तक के ऊपर चला जाता है एग्जाम। अभी कई एग्जाम हो रहे हैं उसमें वो हाइट को ले लेता है, हम लोग हाइट को छोड़ देते हैं लेकिन ये लोग हाइट वाइट सब उठा लेते हैं। तो इसलिए प्लीज आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, कहीं से भी कोई भी चीज पूछी जा सकती है। एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, ये इस हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। और मैंने इनको उसी क्रम में लिखा है जिस क्रम में ये हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि इन चोटियों का जो क्रम है यानी कि हाइट के हिसाब से चला जाए तो देखिए ये 8848 पहले था, 50 हो गया है, सभी को पता होगा। कंचनजंगा की जो हाइट है वो 8598 है। एक नजर जरूर डाल लीजिएगा इस पर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता, वो क्रम से लगाने के लिए पूछ लेता है। अभी पीजीटी का एग्जाम हुआ है 17 तारीख को, उसमें उसने पूछा कि नीलोफर, हुदहुद और चार तूफान पूछे, कहा कि इसमें से किस तूफान की हाइट बहुत थी, मतलब सबसे तेज गति से आया। अब तूफान किस राज्य से टकराया ये पता है कैंडिडेट को, कितनी गति से आया ये किसको पता है। तो इसलिए अब उसने पूछा एक क्वेश्चन कि यूनियन टेरिटरी के चार प्लेसेस दे दिए, और उसमें से उसने पूछा कि ये सबकी उसने लिटरेसी दे दी, अब कहा इसमें से किसकी गलत है। तो यानी कि आपको सबकी लिटरेसी पढ़नी पड़ेगी ना कि किस किस यूनियन टेरिटरी की कितनी लिटरेसी है। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि हम किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं, यानी हर चीज को हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। तो अब आते हैं कंचनजंगा, आपको पता चल गया। मकालू की हाइट कितनी है, 8481। फिर आता है धौलागिरी, धौलागिरी की हाइट कितनी है, 8172। फिर आते हैं नंगा पर्वत, नंगा पर्वत की हाइट कितनी है, 8126। और नंदा देवी की जो हाइट है वो है आपकी 7817 मीटर। ठीक, तो ग्रेटर हिमालय में हाइट के क्रम में वो चार ही पूछता है, लेकिन मैंने दो एक्स्ट्रा बताए आपको, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत और नंदा देवी। तो दोस्तों आपको ये ज्ञात हो गया होगा प्रिय छात्रों कि ये हाइट के क्रम में भी आपको यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब क्या और बनेगा ग्रेटर हिमालय से, और क्या क्वेश्चन आता है ग्रेटर हिमालय से, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गंगा यमुना नदियों का उद्गम किस हिमालय से हुआ है। तो जब ऑप्शन आपको देगा ट्रांस, ग्रेटर, लेसर, शिवालिक, तो गंगा यमुना नदियों का उद्गम किस हिमालय से हुआ है, ग्रेटर हिमालय से हुआ है, यानी महान हिमालय से हुआ है। तो क्लियर हो गया आपको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे लेसर की। लेसर से क्या इंपॉर्टेंट है, लेसर से देखते हैं। लघु हिमालय, लघु हिमालय से क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, और इससे एक्स्ट्रा भी आपको कुछ नहीं पढ़ना, जितना आपको बताया जा रहा है इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो लघु हिमालय से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लघु हिमालय की महत्वपूर्ण श्रेणियां कौन सी, यानी माउंटेन रेंज, पर्वत श्रेणियां, लघु हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं। तो चलिए देखते हैं, लघु हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां पीर पंजाल, धौलाधार, पीर पंजाल, धौलाधार, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि पीर पंजाल, धौलाधार और इसके अलावा कौन सी पहाड़ी है, महाभारत श्रेणी, महाभारत, और चौथी कौन सी है, मसूरी। पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत और मसूरी, ये रेंजेस हैं आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि लेसर हिमालय में ये पर्वत श्रेणियां हैं। अब इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकता है लेसर हिमालय से, लेसर हिमालय से क्वेश्चन बन सकता है जैसे रानीखेत है, नैनीताल है, मसूरी है, आपका दार्जिलिंग है, अल्मोड़ा है, ये किस हिमालय में स्थित है, इसमें से कोई भी प्लेस दे दे। जैसे कहते हैं दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस हिमालय में स्थित है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये किस हिमालय में है, ये सब ग्रेटर, यह सब आपके लेसर हिमालय में, यानी
लघु हिमालय में स्थित है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सब किस में है, लेसर हिमालय में स्थित है। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक नाम है गुलमर्ग, गुलमर्ग, और एक नाम है सोनमर्ग। ठीक, अब कई बार पेपर में क्या आ जाता है, जैसे वो खाली इतना ही पूछ लेते हैं कि गुलमर्ग क्या है या सोनमर्ग क्या है। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग घास के मैदान है, सबसे पहली चीज ये बात आप सभी को ध्यान रखना है कि गुलमर्ग और सोनमर्ग क्या है, ये घास के मैदान है। अब ये जो घास के मैदान है ये कहाँ है, कश्मीर में, कहाँ है, कश्मीर में, गुलमर्ग और सोनमर्ग। गुलमर्ग को उत्तराखंड में क्या कहते हैं, बुग्याल, और सोनमर्ग को क्या कहते हैं, पयार। ये गुलमर्ग को कहते हैं और ये सोनमर्ग को, तो ये उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा इस बात का, गुलमर्ग और सोनमर्ग ये घास के मैदान है, कश्मीर में है, गुलमर्ग को उत्तराखंड में, वैसे ही एज इट इज ग्रासलैंड को बुग्याल के नाम से जाना जाता है और सोनमर्ग को पयार के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया। फिर आते हैं, अब हम लोग शिवालिक हिमालय की बात करेंगे। शिवालिक हिमालय से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, शिवालिक हिमालय में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, देखिए शिवालिक हिमालय में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। मुख्य रूप से जो शिवालिक हिमालय है ये पंजाब में पोतवार बेसिन है, वहाँ से चल के और कोसी नदी के मोड़ तक, ठीक, ये शिवालिक हिमालय में इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपको, मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा कि ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब एक छोटा सा और मुझे हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ाना है तो हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन वहां से बनता है तो हम कैसे याद करेंगे। आइए मैप पर देखते हैं इसको, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए, वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन किया गया है, बहुत ही इसको ध्यान से समझिएगा बात को। आप देख रहे हैं ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक। कई बार पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है उसको पश्चिम से पूर्व के सही क्रम में लगाइए। तो जब पश्चिम से पूर्व के सही क्रम की बात आएगी तो सबसे पहले कौन आएगा, पंजाब हिमालय, फिर कौन आएगा, कुमायूं हिमालय, फिर कौन आएगा, नेपाल हिमालय, फिर कौन आएगा, असम हिमालय, सिक्किम हिमालय भी है। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पंजाब हिमालय, यानी नंबर वन पे पंजाब हिमालय, नंबर टू पे कुमायूं हिमालय, नंबर थ्री पे नेपाल हिमालय, फिर नंबर फोर पे सिक्किम हिमालय, और नंबर फाइव पे आता है आपका असम हिमालय। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन करने पर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है। तो जब पश्चिम से पूर्व कह रहा है तो आप ऐसे चलेंगे, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय और फिर असम हिमालय। तो मुझे आशा है कि सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर पूरब से चल रहे हैं तो पूरब से चलिए, तो सबसे पहले असम मिलेंगे, फिर सिक्किम जाएंगे, फिर नेपाल जाएंगे, फिर कुमायूं जाएंगे और फिर पंजाब जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब जब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है तो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा क
कि अब जैसे पंजाब हिमालय से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर पंजाब हिमालय की बात कर ली जाए तो पंजाब हिमालय में इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, देखिए यहां लिखा है इंडस एंड सतलज रिवर, यानी कि जो पंजाब हिमालय है वो किन दो नदियों के बीच स्थित है, इधर सिंधु और इधर सतलज, ठीक। तो सिंधु और सतलज के बीच में कौन है, पंजाब। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पंजाब हिमालय है इधर सिंधु है और इधर सतलज, तो सिंधु और सतलज के बीच में कौन है, पंजाब हिमालय है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो इसलिए आपको यह बात ध्यान रखनी है कि पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है, ठीक। अब इसके अलावा और कौन क्वेश्चन बन सकता है, यहां पंजाब हिमालय से अगर रेंजेस की बात आएगी तो यहां पर कौन कौन सी रेंजेस हैं, तो यहां पर रेंजेस आती हैं धौलाधार, धौलाधार धौलाधार पीर पंजाल, ध्यान रखिएगा क्योंकि उधर आपने ट्रांस ग्रेटर लेसर और शिवालिक के हिसाब से पढ़ा था, और यहां अब आप रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं हिमालय का, तो उसमें जब पंजाब हिमालय से क्वेश्चन आएगा तो पंजाब हिमालय में धौलाधार पीर पंजाल और कराकोरम रेंज आती हैं, ठीक। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा धौलाधार पीर पंजाल और कराकोरम रेंज आती है, क्लियर हो गया, और सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय स्थित है, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और छूट रहा था, एक वैली वाला भी बताना जरूरी है, लाहुल और स्पीति पंजाब हिमालय में, ये दो वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहुल घाटी और स्पीति घाटी, तो ये भी ध्यान रखना है कि पंजाब हिमालय में ये दो जो है वैलीज इंपॉर्टेंट है, जो लाहुल और स्पीति और कांगड़ा, एक और याद कर लीजिए कांगड़ा, तो कांगड़ा लाहुल स्पीति याद करेंगे तो हादसा नहीं होगा, नहीं तो परीक्षा में हादसा हो जाता है, तो कांगड़ा लाहुल और स्पीति, तो ये तीन वैलीज भी याद कर लीजिए, तो पंजाब हिमालय अब खत्म हो गई बात। चलिए अब आते हैं हम लोग कुमायूं चलते हैं, कुमायूं हिमालय में क्या इंपॉर्टेंट है, पहली बात कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली, सतलज और काली। अब होता क्या है, मामला क्या है, ये देखिए ये जो डंडी खींची ना, ये काली आ गई, ये काली, ठीक। तो सतलज और काली, तो सतलज और काली के बीच में कौन रहता है, कुमायूं हिमालय, ठीक। तो सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय है, तो अब आपके दिमाग में सेट हो गया होगा सतलज और काली, यानी कि ये है कुमायूं, ये है सतलज और ये है काली, तो सतलज और काली के बीच में कौन है, कुमायूं। तो कुमायूं हिमालय, अब आपको क्लियर हो गया कि सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय। अब कुमायूं हिमालय से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, कुमायूं हिमालय से क्वेश्चन बनता है जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये क्या है, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, ये फेमस पीक्स है कुमायूं हिमालय की, जो फेमस पीक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, त्रिशूल है, माना है, गंगोत्री है, ये सब क्या है, ये कुमायूं हिमालय की फेमस पीक है, क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अब यहां से क्वेश्चन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जैसे मैंने आपसे बताया था कि गंगा और यमुना नदियों का उद्गम कहां से होता है, तो गंगा और यमुना नदियों का उद्गम आपका हो रहा है कहां से, ग्रेटर हिमालय से। इसी तरीके से जब हिमालय का रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए तो गंगा और यमुना नदियों का उद्गम कहां से होता है, गंगा और यमुना नदियों का उद्गम कहां से हो रहा है, कुमायूं हिमालय से, तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, यानी गंगा और यमुना नदियों का उद्गम कहां से होता है, कुमायूं हिमालय से, क्लियर, सभी को क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट, अब आते हैं हम लोग नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय की चर्चा करते हैं।
नेपाल हिमालय में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नेपाल हिमालय में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो जो नेपाल हिमालय है वो आप देख रहे हैं लिखा है काली और कोसी, यानी कि काली और कोसी नदी के बीच नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय काली और कोसी, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा, नेपाल हिमालय काली और कोसी नदी के बीच स्थित है। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है। तो नेपाल हिमालय से ये बात क्लियर हो गई। बाकी देखिए माउंट एवरेस्ट इसी हिमालय में है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो नेपाल हिमालय काली और कोसी नदी के बीच स्थित है। फिर आते हैं अब हम लोग सिक्किम हिमालय, कहां आते हैं, सिक्किम हिमालय। अब सिक्किम हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, कोसी और तिस्ता। कोसी और तिस्ता, ये सिक्किम हिमालय जो है वो कोसी और तिस्ता नदी के बीच स्थित है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कोसी और तिस्ता के बीच जो है कौन है, कोसी और तिस्ता के बीच जो है सिक्किम हिमालय स्थित है। इसमें यही इंपॉर्टेंट है, देखिए ये बहुत ही दिमाग से सेट करना है आपको कि सबसे पहले सिंधु सतलज आए, फिर सतलज से काली गए, काली से कोसी आई, फिर कोसी से तिस्ता आया, अब इसके बाद कौन आ रहा है, असम हिमालय। कौन है, असम हिमालय। अब असम हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, असम हिमालय स्थित है तिस्ता और दिहांग। दिहांग ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। तो तिस्ता और दिहांग इन दो नदियों के बीच असम हिमालय, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, असम हिमालय तिस्ता और दिहांग के बीच स्थित है, एकदम दिमाग में रखिए। तो यानी कि हम अगर वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं तो सबसे पहले पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर सिक्किम हिमालय, फिर असम हिमालय, यानी ये क्रम हो गया। और नदी को याद करना है तो एकदम सिस्टम से याद करिए, पहले सिंधु आएगी, फिर सतलज आएगी, फिर उसके बाद काली आएगी, फिर काली के बाद कोसी आएगी, कोसी के बाद फिर तिस्ता आएगा, और तिस्ता के बाद फिर दिहांग आएगी। इस क्रम में आप पढ़ेंगे तो आशा करता हूं कि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं पीक की। आप ये मैप देख रहे होंगे, जो हाईएस्ट पीक्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप लोग इसको चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हाईएस्ट पीक को, क्योंकि पेपर में कई बार क्या होता है कि पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो पेपर में क्वेश्चन वो ऐसे दे देते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट चोटियों का सही क्रम लगाइए। कई बार एग्जाम में जो यहां से क्वेश्चन आता है, इस डायग्राम को दिखाने का मेरा यही पर्पज है कि अगर पीक को क्रम से लगाना होगा तो आपको देखिए, देखिए कंचनजंगा लिखा है, उसके बगल में मकालू है, मकालू के बगल में लोहोत्से है, ये देखिए कंचनजंगा है, ये कंचनजंगा है, कंचनजंगा के बगल में मकालू, हम मतलब पूरब से पश्चिम चल रहे हैं, मकालू के बाद बगल में आता है लोहोत्से, लोहोत्से के बगल में है एवरेस्ट, एवरेस्ट के बगल में छोवो, चोवो, फिर आते हैं शीशा, शीशा, फिर मनासलू, मनासलू के बाद आता है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद आता है धौलागिरी, ठीक, धौलागिरी के बाद है गश्रीमी, फिर आता है आपका नंगा पर्वतीय। तो यानी देखिए मेन जो रॉक्स हैं, मेन जो रॉक्स हैं, अगर आपको उस क्रम में याद करना है तो इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप ईस्ट टू वेस्ट इस नक्शे को आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, इसका स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है आपका लेना, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और कैंडिडेट से गलत हो जाता है, आपको लगता है कि सब कुछ आ रहा है लेकिन आपको कुछ नहीं आ रहा है, ये सच्चाई है। इसलिए पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व पीक्स का सही क्रम क्या है, चोटियों का सही क्रम क्या है, तो चोटियों का सही क्रम आपको कैसे याद रहे, उसके लिए ये नक्शा आपको देखना ही पड़ेगा। सुबह दोपहर शाम तीन टाइम इसको देखिए ठंडे पानी के साथ, तुरंत याद हो जाएगा, ऐसे याद नहीं होगा आपको।
ठीक है। तो इस नक्शे को आप देखिए और क्रम से हाइट जरूर देखिएगा, क्योंकि हाइट आजकल पेपर में पूछ लेता है और कैंडिडेट से गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर अब मैं आपको समरी बताता हूँ जो आपने आज पढ़ा है, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जैसा मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मन से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, माँ बाप का धन बचा के सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी परीक्षा प्लस टीम आपके साथ लगी हुई है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम कैंडिडेट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब करके पढ़ाएँ, डिटेल में पढ़ाएँ, और जो भी सिलेबस है ये सिलेबस इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ ए आर ओ का जो सिलेबस है डिक्टो यूपी पीसीएस सिविल सर्विसेज के सिलेबस के साथ मैच खाता है। इनका पेपर कोई छोटा मोटा या हल्का पेपर नहीं है। अगर आप इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी। ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हर कैंडिडेट का ये दायित्व तो है कि वह मैप और एटलस का प्रयोग करे, लोकेशन को जाने। जिस बच्चे को लोकेशन नहीं पता है, सिचुएशन नहीं पता है, प्लेस नहीं पता है, वो एक एटलस ले और उसमें वो एटलस में जगहों को देखे और उससे जगहों को याद करे। अगर हर स्टेट की इम्पोर्टेंस, पीक्स, लोकेशन, कंट्री, सिटी, रिवर, ये सारी चीज़ें अगर वो ध्यान से चीज़ों को देखता है तो निश्चित है कि उसको ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको ज्योग्राफी समझ में आ जाती है तो हिस्ट्री खुद बखुद समझ में आ जाएगी, क्योंकि हर विषय एक विषय दूसरे विषय से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ज्योग्राफी को कहा जाता है ज्योग्राफी इज़ द मदर ऑफ साइंस। मदर ऑफ साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी विषय बने हैं उन सबकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है कि लोकेशन को जानिए। पॉलिटी पढ़ेंगे तब भी आपको कंट्री पढ़नी, कॉन्टिनेंट पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो भी आपको मैसूर पढ़िए, चाहे टीपू सुल्तान को पढ़िए, आपको हर जगह उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।